मैं डॉक्टर पीके गुप्ता, पीके पैथोलॉजी लैब, लखनऊ। आज मैं बात करूंगा कोविड संक्रमण की तीव्रता जानने के लिए कराए जाने वाले सस्ता एवं सुलभ जांच NLR यानी न्यूट्रोफिल टू लिम्फोसाइट रेशियो के बारे में। ऐसा देखने में आ रहा है कि कोविड संक्रमण गांव में भी फैल रहा है, जहां एडवांस जांच की सुविधा नहीं है। इस परिस्थिति में NLR का उपयोग हो सकता है। ऐसी स्थिति में स्थानीय डॉक्टर कोविड संक्रमण की संभावना होने पर स्थानीय पैथोलॉजी लैब में उपलब्ध कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि हीमोग्लोबिन, TLC, DLC तथा प्लेटलेट काउंट की सामान्य जांच से कैलकुलेशन द्वारा NLR रेशियो निकाल सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। इस सामान्य जांच से स्थानीय डॉक्टर कोविड संक्रमण की शुरुआती पहचान तथा तीव्रता का अंदाज लगाकर इलाज शुरू कर सकते हैं। अब जानते हैं कि NLR ब्लड टेस्ट क्या है। यह जांच एक कैलकुलेटेड पैरामीटर है, जिसे कंप्लीट ब्लड काउंट जांच से निकाल सकते हैं। इसमें एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट को एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट से भाग देकर रेशियो निकालना होता है, तथा इसे फिजिशियन भी CBC की रिपोर्ट से कैलकुलेट कर निकाल सकते हैं। अब जानते हैं कि इसकी कट ऑफ वैल्यू क्या होती है। संभावित कोविड मरीज में शुरुआती दौर में TLC यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ने के बजाय थोड़ा लोअर साइड में आता है। आमतौर पर देखा गया है कि इसकी वैल्यू लगभग 4000 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर से 6000 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है, तथा बाद में TLC सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण बढ़ सकता है। शुरुआती जांच में एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट कम होता है, जो कि DLC यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में लो परसेंटेज के रूप में रिफ्लेक्ट होता है। यदि NL रेशियो 3.5 से कम है तो यह माइल्ड इन्फेक्शन की तरफ इशारा करता है, और यदि यह वैल्यू 3.5 से अधिक है तो यह मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन की तरफ इशारा करता है। फिजिशियन इसी रेशियो से कोविड संक्रमण की तीव्रता की जानकारी प्राप्त कर इलाज कर सकते हैं, तथा फॉलोअप टेस्ट कर मरीज के तीमारदारों को भी बीमारी की प्रोग्रेस तथा प्रोग्नोसिस यानी ठीक होने की संभावना के बारे में बता सकते हैं। ये थी सामान्य मेडिकल जानकारी NLR के बारे में, जो कोविड के इलाज में सहयोगी हो सकते हैं। इस YouTube चैनल में मैंने कोविड के उपचार में सहयोगी अन्य ब्लड टेस्ट के बारे में बताया है, जिसे आप ऊपर बने आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। उम्मीद है कि इससे आम लोगों में सामान्य टेस्ट के बारे में जिज्ञासा का समाधान होगा। आगे आने वाली अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए। यदि आपको इस जांच से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो उसे आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिसका जवाब मैं जल्द देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।